पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के लोगों की तकरीब रहनुमाई चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिमिलरली जो हमारे इनडायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, दे आर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स फॉर दिस कमिंग सीरीज जो हो रही है श्रीलंका के खिलाफ ओडीआईज एंड टी20s, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्पॉन्सर्स हैं हमारे लिए and a very important business to be in solar panels in Pakistan at a time jahan energy shortage hai aur jahan clean energy ki hum baat karte hain, it's very commendable ke ye they have come forward to support cricket in Pakistan. Jubilee Insurance important partner not only of PCB but of cricket in Pakistan. I would like to acknowledge their role in it as I would with the J group, the जुनेद जमशेद ग्रुप, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट जहाँ भी पाकिस्तान खेलता है आपके बोर्ड्स नजर आते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एक पाकिस्तान का मैसेज बाहर जाता है कि पाकिस्तान में वाइब्रेंट बिजनेसेस हैं जो सारी दुनिया में फैली हुई हैं। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हो क्रिकेट को पाकिस्तान में। ये जो सीरीज आ रही है ये ओवरनाइट ये बातें नहीं होती, हम लोगों ने इस पर पिछले सर्टनली जब से मैं आया हूँ तो मैंने इस पर बहुत काम किया, बट उससे पहले गिविंग क्रेडिट टू रेस्क्यू पिछले 3-4 साल से बहुत काम हो रहा था टू गेट क्रिकेट बैक इन टू पाकिस्तान। इसमें PSL का बड़ा रोल है, जिस तरह हम लोगों ने मैचेस बढ़ाए हैं, पिछले साल 8-4 मैचेस थे, इस साल 2019 में देवर 8 मैचेस कराची में, एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस। और जिस तरह सपोर्ट मिली है क्रिकेट को पाकिस्तान में, मुझे उम्मीद है कि यही सपोर्ट हमें बायलैटरल सीरीज की मिलेगी श्रीलंका के खिलाफ इन द टी20s एंड द 50 ओवर गेम्स। क्रिकेट यू नो, आप ये इमेजिन करें जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो बाहर जब खेलते हैं तो वर्चुअली एम्प्टी स्टेडियम्स के उसमें खेल रहे होते हैं, लोग नहीं आते, ऑडियंसेस नहीं होती, तो उनके लिए बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, सोल डिस्ट्रॉइंग है कि वी आर प्लेइंग इन एम्प्टी ग्राउंड्स। यहाँ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग आएंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, श्रीलंका को अब्रॉड करेंगे कि जिस तरह उन लोगों ने अपना कदम बढ़ाया आगे। आफ्टर ऑल हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज 10 साल पहले श्रीलंका की विक्टिम्स ऑफ अ वेरी टेरेबल अटैक, और वही टीम आज फिर आई है वापस इस मुल्क में, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके बोर्ड का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि द वे दे हैव स्टेप फॉरवर्ड टू सपोर्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने भी श्रीलंका की बहुत मदद की है, जब श्रीलंका बना था टेस्ट प्लेइंग नेशन उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। एंड फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स जो श्रीलंका ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है उसमें पाकिस्तान ने उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली थी, तो जो उनकी फॉर्मेशन थी वो उसमें पाकिस्तान ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। इस साल अनफॉर्चुनेटली एक कोलंबो में हादसा हुआ था, उसके कोई 10 डेज आफ्टर दैट हमने अपनी 19 टीम की भेजी थी टू श्रीलंका। दुनिया में आज कोई जगह ऐसी नहीं है जो कोई, सब कह सकते हैं कि बिल्कुल फिक्र ना करें आप, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, क्राइस्टचर्च में बड़ा गंदा हादसा हुआ था बांग्लादेश टीम होते हैं, ये मुझे तसली सबसे बड़ी ये है कि जो पाकिस्तान की एक्सपीरियंस हुई है पिछले 10-15 साल में सिक्योरिटी को मैनेज करने में हम लोग किसी से कम नहीं है, वी आर राइट अप देयर विद द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और इसका फुल क्रेडिट जाता है हमारी एजेंसीज को, हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी पुलिस को, कि जिस तरह उन्होंने ये संभाला है पाकिस्तान में और जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को सपोर्ट किया है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस कमिंग अपकमिंग सीरीज, ये जो होगी लोग कहते हैं कि ये उनके कुछ प्लेयर्स ने पुल आउट कर दिया, वो भी आई थिंक वी नीड टू एड्रेस। हर एक बोर्ड का प्रोग्रेटिव होता है कि वो किस प्लेयर्स को भेजे, और मुझे उम्मीद है कि ये पहला कदम है और ये छोटा सा कदम है कि हमने लिया है
to normalization, bringing full international cricket back to Pakistan. मगर ये छोटा कदम है बट बड़ा इम्पोर्टेंट कदम है हमारे लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शुक्रिया थैंक यू सो मच मिस्टर चेयरमैन नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर ख्वाजा आतिफ सिक्का टू से अ फ्यू वर्ड्स अस्सलाम वालेकुम पहले तो मैं अपने मीडिया के लोगों का पीसीबी के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर मदद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ बरोज़ देखते हुए क्रिकेट पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ आ रही है इसमें मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हमें जोड़ के रखने वाली ट्रांस मीडिया का जिन्होंने हमें जोड़ के रखा हम पिछले 8 साल से इसके अंदर कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम हर इवेंट के अंदर भरपूर शमूलियत करें और पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बनाएं और मज़ीद से मजबूत करते हुए हम इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पहले हमेशा काउंट किया गया इसी तरह हमारा मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेपर मीडिया सारे जो हैं ये मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाएंगे क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के अमन की जो है पहला स्टेप है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये हमारे लिए एक गेम चेंजर बनेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर मोहम्मद साकिर टू से अ फ्यू वर्ड्स बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पीसीबी का कि उन्होंने बहुत अपने एफर्ट दिखला के और श्रीलंका को पाकिस्तान बुलाया तो क्या कि जो क्रिकेट पाकिस्तान में रुकी हुई है वो स्टार्ट रहे और इसी तरह जो पीएसएल के अंदर भी जो पूरे मैचेस यहाँ पे कराने की बात कर रहे हैं अगले साल इंशाल्लाह 2020 में तो वो भी चले तो यही इस तरह क्रिकेट का होता है हम इंटरनेशनल क्रिकेट को लास्ट 5 ईयर से सपोर्ट कर रहे हैं ट्रांस मीडिया के ज़रिए से और रेगुलर हम इसको कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट है तो हम जब तक हमें इस क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे थैंक यू अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो मच मिस्टर दस्तगीर प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी एफर्ट्स की कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आ रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके साथ साथ मीडिया का बहुत इसमें किरदार है कि मीडिया हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिवली अपना रोल प्ले कर रही है और इंशाल्लाह जे डॉट डे फर्स्ट से क्रिकेट बोर्ड के साथ है पाकिस्तान टीम के साथ है पाकिस्तान के साथ है हम पहले भी आप लोगों के साथ थे आज भी आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों के साथ होंगे आज से 10 साल 11 साल पहले क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गया था पाकिस्तान में माशाल्लाह से इसमें मैं राव उमर भाई का राव उस्मान भाई का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इतनी एफर्ट्स की कि सारे लोगों को मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इनका साथ दिया और साथ साथ चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह देखें पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम आ रही है और इसी तरह नेक्स्ट टाइम और टीमें भी आएंगी और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी होगा और मैचेस भी होंगे और इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ हैं और इसी तरह चलते रहेंगे शुक्रिया जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच दस्तगीर साहब बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर राव उमर हाशिम द ग्रुप डायरेक्टर ऑफ ट्रांस ग्रुप टू से अ फ्यू वर्ड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू मिस्टर चेयरमैन Thank you for giving us the time today for the sponsors logo unveiling ceremony. I thank all the sponsors, Brighto, Inverex, J-Dot, Jubilee, all the sponsors. They really stood with Pakistan cricket for a long time. I assure the support of Trans Group on behalf of my chairman and the full group that we were with Pakistan Cricket Board for the last 32 years. We are with Pakistan Cricket Board and Pakistan. We also work all across the globe in different parts of the world with other cricket boards as well. But this is our home ground. This is our home board. This is our home ground. PCB has given us a lot of support. Today, Trans Group is at a stage where I think
no doubtably without the support of Pakistan Cricket Board and Sir, your Mr. Chairman, because of you guys, we are here at this stage, and we'll keep on extending our support for the betterment of the game and betterment of cricket, inshallah, in future as well. Thank you. Thank you so much. अब हम floor खोलेंगे for the questions. Procedure वही होगा, आप हाथ raise कीजिएगा, आप तक mic आएगा और फिर question कीजिएगा. Suhail भाई. चेयरमैन साहब, अभी आपने जिक्र किया कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे, जाहिर है कि उनका इख्तियार है कौन से खिलाड़ी भेजते हैं या नहीं भेजते. आप समझते हैं कि माजी में ऐसा भी होता रहा है कि कुछ अजाफी पैसे दे के प्लेयर्स को बुलाया जाता रहा है पाकिस्तान में, क्या ये अच्छी रिवायत नहीं थी, या जो आप रिवायत डालना चाह रहे हैं कि वो अच्छी रिवायत है? देखिए, मैं ट्रांसपेरेंसी और मेरिट, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो हम उसके लिए बड़ी खुशी से हम उनको यहाँ वेलकम करेंगे, मगर जो पैसों की वजह से सिर्फ आएगा उसकी कमिटमेंट नहीं होगी टू पाकिस्तान. और जो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम सबको ये तसल्ली दें कि पाकिस्तान इसे, और ये ओवरनाइट नहीं होती बातें. श्रीलंका ऑलरेडी एक वनडे यहाँ खेल के गया था, उससे पहले वर्ल्ड इलेवन आई थी, उससे पहले कुछ PSL के मैचेस हुए थे, इस साल ज़्यादा हुए हैं. और मुझे बात यह है कि इसमें 32 से 35 ओवरसीज प्लेयर्स थे इस साल के, अब वेस्ट इंडीज़ भी आई थी बीच में, मगर ये इस साल PSL में काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स थे जो खुशी से आए थे. सिर्फ उनका एक गिला था कि टू मच सिक्योरिटी. बार बार वो मुझे कहते थे मुझे कि हम सोशलाइज करना चाहते हैं, हम फ्रीली मूव करना चाहते हैं. तो उन पर कंस्ट्रेंट्स जो थे वो हमारी तरफ से थे, और उसकी वजह ये थी कि जब तक हम ये हमारे सिक्योरिटी वाले समझते थे कि जब तक ये लोग टोटली कंफर्टेबल नहीं हों तो हमें इनको फ्रीली अलाउ नहीं करना चाहिए मूव करने के लिए. तो हमेशा कोई एस्कॉर्ट वगैरह होता था, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो टाइम आएगा और जल्दी आएगा कि जब टीम्स आएंगी बाहर से और टोटली रिलैक्स होंगी जिस तरह वो दूसरे मुल्कों में होती हैं. अब आप देख लेंगे इस साल ये पाक श्रीलंका सीरीज के लोगों के